दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एक्सेल में वेलकम फार्मूला ऑटो अपडेट कैसे करते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक्सेल में वेलकम फार्मूला ऑटो अपडेट करना सीखना चाहते हैं तो हमारा आज का वीडियो पूरा जरूर देखें, आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों इसके साथ ही अगर आपको नहीं पता एक्सेल में वेलकम फार्मूला कैसे लगाते हैं तो दोस्तों आपका एक्सेल सीखना इनकम्प्लीट है, अधूरा है। तो दोस्तों अगर आप एक्सेल में वेलकम फार्मूला सीखना चाहते हैं वो भी डिटेल्स के साथ, तो ऊपर आई बटन पे हमने वेलकम फार्मूलेस वीडियोज का लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी हमने वेलकम फार्मूला का लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं शिवम श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SS कंप्यूटर क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों यहाँ पर एक डेटाबेस हमने बनाया है जहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट आईडी है, ब्रांड है, स्टोर है, क्वांटिटी। अब आज का सबसे मेन टॉपिक हमारा क्या है कि वेलकम फार्मूला ऑटो अपडेट कैसे करते हैं। वेलकम फार्मूला तो हमने पहले भी आपको बता चुके हैं, पर आज हमें क्या सीखना है कि वेलकम फार्मूला ऑटो अपडेट कैसे करते हैं। अब ऑटो अपडेट का मतलब हमारा यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम वेलकम फार्मूला लगाते हैं ना तो हमें वहाँ पर एक टेबल एरे देना पड़ता है। टेबल एरे का मतलब हमें क्या होता है कि डेटा हमें सेलेक्ट करना होता है जिसमें हमें बताना होता है कि इतने डेटा में से आपको वैल्यू ढूंढना है। जैसे मान लीजिए हमने प्रोडक्ट आईडी से लेकर और जहाँ 308 लिखा है लास्ट में, यहाँ तक का डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे हमने यहाँ तक डेटा सेलेक्ट किया तो वेलकम फार्मूले को पता है कि जो हमें वैल्यू देना है, आंसर देना है, कहाँ से देना है, हमें इस डेटा प्रोडक्ट आईडी से लेकर जहाँ 308 लिखा है इसके बीच में जो हमसे पूछा जाएगा वहाँ से हमें आंसर दे देना है। मतलब ये तरह से वेलकम फार्मूले को इतना एरे यहाँ पर मिल गया, इतना यहाँ पर डेटा मिल गया कि हमें यहाँ से ढूंढना है और यहाँ से हमें इन्हें आंसर जो भी आएगा आंसर हमें दे देना है। अब उसमें हमारे क्या आता है, मान लीजिए कभी कभार हम एक नया डेटा और एंटर करें, जैसे हम यहाँ पर 11 एंटर करते हैं, 10 एंटर करते हैं, 12 एंटर करते हैं, 13 एंटर करते हैं, 14 एंटर करते हैं, तो अगर हम और भी डेटा एंटर कर रहे हैं तो वेलकम फार्मूला अपडेट नहीं होता है। तो वेलकम फार्मूला यहाँ पर अपडेट नहीं होगा, वो हमें कहाँ तक का डेटा दिखाएगा, खाली 9 तक ही दिखाएगा। मतलब इसके बीच में जो हम यहाँ पर आईडी के हिसाब से डेटा ढूंढेंगे वो तो मिल जाएगा, पर जैसे ही आप यहाँ पे 10 लिखोगे, 11 लिखोगे, 12 या 13 लिखोगे तो आपको यहाँ पर डेटा दिखाएगा ही नहीं, यहाँ पर क्या दिखाएगा, एरर दिखाएगा, क्योंकि वेलकम फार्मूला हमारा अपडेट तो हुआ नहीं। तो आज की वीडियो में हमें यही सीखना है कि हम वेलकम फार्मूला अपडेट कैसे करें। उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं एक बार कि वेलकम फार्मूला लगाते कैसे हैं यहाँ पर। तो उसके लिए यहाँ पर आप देखें हमें कुछ डेटा यहाँ पर बनाया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रोडक्ट आईडी हमने यहाँ से लिखा है, सेम नाम और यहाँ पर ब्रांड नेम। यहाँ पर एक आईडी आपको ले लेना है जो आपके प्रोडक्ट आईडी में यहाँ पर हो, जैसे यहाँ पर हमने 1002 ही ले लिया। यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको वेलकम फार्मूला लगाना है, इक्वल साइन यहाँ पर लिखना है वेलकम, यहाँ पर डबल क्लिक करें तो फॉर्मूला आ जाएगा। सबसे पहले क्या देना है, लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमें क्या दे देना है, प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर कॉमा लगा देना है। टेबल एरे, तो टेबल एरे में हमें क्या करना है, होल डेटा सेलेक्ट कर लेना है जैसे स्टार्टिंग में हमने आपको बताया ही। फिर यहाँ पर क्या करना है, कॉमा लगाना है। कॉलम इंडेक्स नंबर, किस कॉलम में हमारा ब्रांड वाला डेटाबेस, एक दो दूसरे में है तो हम यहाँ पर 2 लिख देना है, फिर कॉमा लगाना है और यहाँ पर एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पर 0 लगा देना है और ब्रैकेट यहाँ पर बंद कर देना है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता एक्सेल में एग्जैक्ट मैच क्या होता है, प्रॉक्सी मैच क्या होता है, तो उसके ऊपर भी हमने वीडियोस बनाए हैं, उसका लिंक ऊपर आई बटन पे है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी, आप वहाँ से जाकर वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं इसी वीडियो पर। दोस्तों इतना लिखने के बाद आपको क्या कर देना है, एंटर कर देना। तो अगर हम यहाँ पर आएँ 1002 पे हमारा कौन सा यहाँ पर ब्रांड है देख लेते हैं, यहाँ पर भी एडिडास ब्रांड है, तो ये हमें यहाँ पर दिखा रहा है, ये ब्रांड हमें यहाँ पर शो कर रहा है 1002 में। अब मान लीजिए यहाँ पर हम डेटा चेंज कर दें, हमने दिया यहाँ पर 1009, अब देखें कौन सा दिखा रहा है, वैंस दिखा रहा, तो हम लास्ट देख लेते हैं, यहाँ पर वैंस हमें शो कर रहा। अब मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं 1010 जो हमारे में है ही नहीं, तो आप देखें यहाँ पर क्या शो कर रहा है, एरर शो कर रहा। मतलब जब वह डेटा हम ऐसा लिखते हैं जो हमारे इस टेबल के अंदर नहीं है तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, एरर शो कर रहा। हमें सेम यही काम करना है कि हम यहाँ पर कोई नया डेटा एंटर करें तो अपडेट होकर उसका भी आंसर हमें यहाँ पर शो करें। जैसे मान लीजिए डेटा हम यहाँ पर एंटर भी कर देते हैं 1010 का, मान लीजिए रीबुक वाला, कहाँ पर, लखनऊ में डेटा, कितनी क्वांटिटी मान लीजिए 500, तो भी आप देखें यहाँ पर वो अपडेट नहीं हुआ क्योंकि हमारी रेंज कहाँ तक थी, हमारा एरर कहाँ तक था, खाली 308 ये तो था नहीं, तो इसलिए हमारा ये अपडेट नहीं हुआ। तो आप देख लेते हैं यहाँ पर ये अपडेट आपको कैसे करना है और अपडेट हमारा कैसे हुआ, ये हटा देते हैं, नया डेटा यहाँ पर हमने लिखा था। उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी डेटाबेस है आपको पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेना है, इस तरह डेटा सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ पे आना है, इंसर्ट टैब में, और यहाँ से आपको आना है टेबल में, कहाँ पर, इंसर्ट पर और फिर टेबल। टेबल पर क्लिक करने के बाद ये टेबल की विंडो आएगी,
इसके बाद आपको यहाँ पर माई टेबल ऐसा हेडर पे टिक लगा दें, मतलब ये जो हेडर आपकी हेडिंग्स आ रही है हमें शो करना है, और ओके कर देना। तो आप देखें यहाँ पे टेबल हमारी बन के आ जाती। टेबल डिजाइंस अगर आपको चेंज करना हो तो आप देखें यहाँ पर डिजाइंस मिल जाती हैं, जैसे भी आप दिखाना चाहें वो डिजाइंस आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी डिजाइंस यहाँ पर हैं, जिस डिजाइन में आप यहाँ पर शो कराना चाहें आप यहाँ पर डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं वीलुकअप फॉर्मूला, हम फिर से लगाते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा, वीलुकअप फॉर्मूला इक्वल साइन वीलुकअप, फिर से हमें क्या देना है, लुकअप वैल्यू में सेम हमने वही दिया कॉमा, टेबल एरे में हमें क्या देना है, होल डेटा में सेलेक्ट कर लेना है इस तरह में। इसमें भी आप देखें हमने डेटा वहीं से सेलेक्ट किया 308 तक, जहाँ तक हमने पहले सेलेक्ट किया था। कॉमा लगाना है, कॉलम इंडेक्स नंबर किस कॉलम में हमारा, एक दूसरे कॉलम में है तो यहाँ पर 2 लिख देना है, और यहाँ पर रिजेक्ट मैच के लिए यहाँ पर 0, इतना पूरा लिख देना और एंटर कर देना। अभी देखें तो यहाँ पर भी हमें एरर दिखा रहा, मान लीजिए हम यहाँ पर डेटा चेंज कर दें 1009, तब हमें यहाँ पर वैंस वाला लास्ट डेटा जो हमारा था वो शो कर रहा। अब मान लीजिए यहाँ पर एक डेटा हम एंटर कर दें, हम यहाँ पर एक डेटा एंटर कर देते हैं 1010, और उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं रीबुक, और यहाँ पर लखनऊ, और यहाँ पर 500, और हम यहाँ पर आए 1010 यहाँ पर लिख दें। तो आप देखें यहाँ पर जो डेटाबेस है वो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप एक्सेल में वीलुकअप फॉर्मूला ऑटो अपडेट करा सकते हो, और बहुत बार हमें ऑफिसेस वगैरह में जरूरत पड़ती है जहाँ पर हमें वीलुकअप फॉर्मूला ऑटो अपडेट कराना रहता है, तो इस तरह टेबल ऑप्शन की मदद से हम वीलुकअप फॉर्मूला यहाँ पर ऑटो अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों आज की वीडियो से लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो, क्वेरीज हो, डाउट हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखा है उन्हें जरूर देख लें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मिलती रहे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले। धन्यवाद।